ये है मंदिर जाने के लिए रास्ता, ये है मंदिर का सुंदर सा गेट। यहाँ से आप थोड़ी सी चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, यहाँ से आप माता रानी के मंदिर के लिए जा सकते हैं। और कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पर भी हमें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो ये है मंदिर का प्यारा सा व्यू और ये है रास्ता जहाँ से अभी हम आए थे। तो पीछे की वीडियो में आपने देखा ही होगा कि भैया और कृषु किस तरीके से डांस कर रहे थे। तो एक्चुअली वो मंदिर में बैंड बाजे वाले जो रहते हैं वो लोग बजाते हैं और लोग डांस करते हैं, तो उसी पे भैया और कृषु बहुत मस्ती कर रहे थे और डांस कर रहे थे। और ये रहा मंदिर के पीछे का व्यू। तो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग अपने घर से खाना बना के लाते हैं, कुछ लोग वहीं पे आके खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो हम लोग भी अपने घर से खाना बना के ले गए थे, तो हम लोगों ने भी एक पिकनिक की तरह इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। और यहाँ पे मंदिर में कैंटीन भी था, मंदिर का कैंटीन जिस तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पे समोसे चाय भी मिल रहे थे। तो जो लोग खाना नहीं ले जा पाते वो लोग समोसे चाय भी वहाँ पे लेके खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं हम लोग घर से, हम घर से खाना बना के लेके आए थे। यह है मूली का चार, माय फेवरेट। आप लोग ऐसे टू बाय टू क्यों बैठे हो? ये सबके लिए चेयर सबके लिए लगा हुआ है, आप लोग उधर बैठे हो। खाली हमारा बेटा भाग नहीं दिया लाउड। हमारी भाभी जी भी चुपचाप है, क्या बात है? भाभी पता नहीं क्या करूं फिर। खाइए तो क्या बैठे क्या किए हैं आकांक्षा? अरे खा लिए बाबू को रखे थे ना, तो खा लीजिए, अब वो आएगा खाएगा। खाई नहीं रहा बाबू उसका, रखे भैया छोड़ के चले गए इसलिए नाराज है क्या? नहीं खाने से मैं खाई है, खाने में भैया छोड़ के साथ चले गए इसलिए नाराज है। नहीं जी भैया साथ छोड़ के नहीं गए। आइए मम्मी बैठिए। ओ बिट्टू हेलो, हाय कृषु, हाय कृषु, पूरी देना रोटी देना पराठा बाबू लिए लाए, पूरी बनाई ना, पूरी कर लिया। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है बताओ, अपने चैनल के बारे में। हाँ अपने चैनल के बारे में बताओ, अपने चैनल के बारे में बताओ। लव चैनल के बारे में बता ही नहीं रही, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करेगा क्या? इसमें 2GB फ्री डाटा है, वो ले ले भली। क्या बात है, एयरटेल का 2GB रख लीजिएगा, कोड रिचार्ज करेंगे वहाँ पे। वैसे भी जियो नहीं चलता है, एयरटेल ही चलता है। पापा खा लिए है 10 रुपए के लिए, इसके साथ 2GB डेटा फ्री है। एक दो रोटी देखिए गाइस, दोनों ब्लॉगर खा रहे हैं, हमारी मौसी टिकड़ी बना के खा रही है। पकड़े गए हैं कुरकुरे के साथ। और यहाँ पे जो मंदिर में लोग आए थे तो उनमें से कुछ लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे जब बैंड बाजा वाले बजा रहे थे। तो
तो वो एक तरीके से नाटी वाले म्यूज़िक की तरफ बजा रहे थे, तो उसी पे लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। हमने भी सोचा था कि हम डांस करेंगे, बट फिर हम जब हमने खाना वाना खाया तो उसके बाद ये लोग चले गए थे, नहीं तो हमने भी सोचा था कि इन्हें बोलेंगे कि आप बजाओ और हम डांस करेंगे। तो यहाँ पे सच में गाइस बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया हमने। आपके पास बैठे हुए इनके साथ भी नहीं बैठेंगे, मुंह से बोलते और कैसे बोलेंगे, और क्या कैसे बोलेगा ये सब गलत बात है। ये को रह गए घर है ना, कौन एक ही रह गए घर, साथ साथ में अभी हो जाना था, दूरदर्शी है वही तो। डॉली मौसी बच्चा जैसे खेला कर रही है, लेडी जैसे। डॉली मौसी बदला निकाल रही है, डॉली मौसी बदला निकाल रही है, कुछ नहीं है। देखे कि चाचा अकेले बहुत घूमे, अब हम अकेले घूमेंगे। और यहाँ पे जब आप मंदिर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे जो काला बाबा हैं उनका स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लंगर भी खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे बस भैया, रोहित, मम्मी सब पूजा कर रहे हैं, मैंने भी इनकी पूजा की, इन्हें यहाँ पे बहुत मानते हैं, तो इन्हें काला बाबा के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो और यहाँ पे ये रहा जहाँ पे लंगर लगता है, तो अभी कोविड की वजह से यहाँ पे लंगर नहीं हो रहा था, तो इसलिए लोग सभी वहाँ पे अपना खाना लेके जाते हैं और कई पिकनिक की तरह वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं। तो बस यहाँ पे कृषि खेल रहा था क्योंकि उसे खुली जगह मिल गई थी। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था मंदिर के पीछे, जहाँ पे हमने उनसे पूछा कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो जागरण वगैरह होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसके लिए बस ये बन रहा है मंदिर के पास। तो बस हम लोग वो देखने आए थे कि कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरीके से ये बना रहे हैं, और बस अब हम लोग जा रहे हैं। फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू होम, और सब कुछ भाग गए हैं बिना बताए, और सब कोई चले गए हैं, भैया, भाभी, मोनी, पलकू। हम लोगों ने सोचा था कि सब कोई साथ में जाएंगे, बट वो लोग पहले पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है ऊपर, क्योंकि पहले तो गर्मी लग रही थी बट अभी बहुत ठंडा मौसम होने लग गया है। तो बस अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। तो हमारा आज का ट्रिप बहुत ही ज्यादा ऑसम रहा। डॉली मौसी कैसा लगा? अच्छा लगा, अभी हम के दर्शन करके दिल खुश हो गए। हाँ, ये पहाड़ की बात है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रेवल व्लॉग्स लाती रहूंगी, प्लीज मेरे इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। सर्दी भी हो गया है, ठंडा मौसम हो गया, इसलिए मुझे थोड़ी सर्दी सी होने लगी है। आप लोग भी एक बार यहाँ जरूर विजिट करिएगा, बहुत ही ऑसम प्लेस है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे थर्ड या फोर्थ टाइम शायद आ रही हूँ। पहले मैं फोर्थ जब प्लस टू क्लास में थी लास्ट टाइम तब आई थी, अभी उसके बाद अभी आ रही हूँ। अब बस यहाँ पे फॉग होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मम्मी पापा धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची ऊंची है और स्लिप भी कर रही है। तो गाइज मैंने तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, आई होप आप लोग भी यहाँ आएंगे तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो प्लीज एक बार इस प्लेस को जरूर विजिट करें। एक तो माता रानी का यहाँ पे टेम्पल भी बहुत अच्छा है, प्लस यहाँ का जो सीन है वो भी बहुत ऑसम है। तो चलिए अब मैं घर जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपको मेरे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, एंड प्लीज मस्ट विजिट दिस प्लेस। बाय बाय, जय माता दी, जरूर आइएगा इस प्लेस पे, दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। तो ये रहा आप सभी के लिए प्यारा सा व्यू। जब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो हमें ड्राइवर जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे चील के पेड़ लगे हुए हैं, तो हिमाचल में आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरीके के पेड़ बहुत मिलेंगे। तो बस मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया।
अभी आ जाइएगा फिर भैया। चालू यूट्यूब पर मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, क्या कहना है। तो मम्मी गा रही है ना आप लोग? मम्मी मैं ना भूलूंगी, गा रही है ना? बोली तो मम्मी ने गाइए पूरा गाइए पूरा कहाँ से मैं तुझे गा रहा दबे गा रहा है तुम सासी काया रात में क्यों नहीं है दीदी जो शाहरुख खान वाला दीपिका कम से कम दो लाइन में तो गाना चाहिए, दो लाइन हुआ ना। मैं अगर कहूँ इसे चार लाइन हो गया और कितना गाएगा गायक है क्या इसे? हाँ ऐसे थोड़ी ये पुराना गाना नहीं है, एडिटिंग वन नहीं है, गाना बंद हो गया, सीडी आनी बंद हो गई है, सीडी आनी बंद हो गई है। रासे राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, वहाँ से चालू थोड़ी होता ही गाना यार, इसे थोड़ी चालू होता ही है, ये होता है सुन रहा है खुदा यहाँ से गाओ दा दा से दा से अब आपका थोड़े दा, ये गाना कॉपी नहीं हो सकता है, कॉपीराइट लग गया इसमें। अब तुम करो दादा 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 मैंने दिल भी तुम्हें तो दिया है जो हो जाए दुनिया से अब नजरू टुर से गाओ, स्टार्ट टुर से होना चाहिए।